संघ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ को रज्जु की कहते हैं। कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, जो कशेरुकी की जगह पे कॉर्डेटा आएगा। तो कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, पृष्ठ पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोपली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र। यानी तीन लक्षण होते हैं, पृष्ठ रज्जु, खोखला तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनीय छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र। ये जीव द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोण की होते हैं और सीलोमेट होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। गुदा पश्च पूंछ, यानी गुदा के पीछे पूंछ पाई जाती है। तो ये पूंछ है, मेरुदंड का जो सबसे अंतिम छोर होता है वो पूंछ का निर्माण करता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रज्जु की और अरज्जु की में अंतर, रज्जु की में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, अरज्जु की में नहीं होता। रज्जु की में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, और इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल पर होता है। अरज्जु की प्राणियों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल पर होता है, ठोस होता है और दोहरा होता है, डबल होता है। रज्जु की में ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ग्रसनी में नाक पाई जाती है, तो सांस लेने की नाक होती है, उसी तरह नाक ग्रसनी से ही निकलती है। तो जो रज्जु के प्राणी होते हैं उनमें ग्रसनी में छिद्र होता है, जिसको क्लोम कहते हैं। इनमें क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते। हृदय अधर भाग में होता है रज्जु की में, और अरज्जु की में पृष्ठ भाग पर होता है अगर उपस्थित है तो। रज्जु की में एक गुदा फर्स्ट पूंछ उपस्थित होती है, और अरज्जु की में पूंछ नहीं पाई जाती। कॉर्डेटा संघ के प्राणियों को तीन उपसंघों में बांट सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तीन संघों मार्ट उपसंघों मारते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनी केटा भी कहते हैं। तो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा दो उपसंघों कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। तो लार्वा की पूंछ में पाई जाती है यूरोकॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक होती है और जीवन के अंत तक रहती है। अगला एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल देखें तो एसिडिया, ये एसिडिया का चित्र है, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और सिफेलोकॉर्डेटा के उदाहरण है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सस या लैस लेट भी कहते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सस या लैस लेट भी कहते हैं। कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित तो हो सकती है। कॉर्डेटा संघ के सभी प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, और वयस्क अवस्था में यह अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है।
जो वयस्क अवस्था होते ही जो पृष्ठ रज्जु है वो अस्थिल अथवा उपास्थिल हो सकती है, दोनों में से किसी में बदल सकती है। और कॉर्डेट संघ के प्राणी रज्जु की होते हैं, तो कॉर्डेट संघ के प्राणी रज्जु की भी हो सक कशेरु की भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो रज्जु की कोई कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो रज्जु की के मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त तीन लक्षण हमने पढ़े थे, उसके अलावा दो दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला पेशी आधार हृदय होता है। यानी जो कॉर्डेट संघ के प्राणी हैं, तो हमने रज्जु की प्राणियों में तीन लक्षण पढ़े थे और जो कशेरु के प्राणी हैं उनमें दो लक्षण, उसमें अतिरिक्त लक्षण और बढ़ जाते हैं। तो दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है। यानी जो कशेरु के प्राणी हैं उनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इनकी जो अधर सतह होती है उसमें हृदय होता है, और अधर सतह पर जो हृदय होता है वो दो तीन अथवा चार प्रकोष्ठ वाला होता है। ब्रक उत्सर्जन का काम करते हैं तथा जल संतुलन का कार्य। ब्रक के दो कार्य होते हैं, उत्सर्जन तथा जल के संतुलन का कार्य करना। तथा पंख पंख या पाद के रूप में दो जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जो कशेरु के प्राणी थे उनके अतिरिक्त लक्षण, तो अतिरिक्त लक्षण में यह था कि उनमें हृदय होता है अधर सतह पर, दो जोड़ी युग्मित पाद या पंख होते हैं, और उत्सर्जन के लिए ब्रक होते हैं, उत्सर्जन और जल संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रक पाए जाते हैं। तो एक कशेरुकी की रज्जुकी से अधिक लक्षण थे, यानी अतिरिक्त लक्षण थे जो कशेरुकियों में ही पाए जाते हैं। तो जो वर्टिब्रेट उपसंग था ये कशेरुकियों का ही उपसंग है। तो कशेरुकी प्राणियों को वर्टिब्रेटा उपसंग में रखा गया है। अब हम कशेरुकी प्राणियों को वर्टिब्रेटा उपसंग में रखा गया है। अब इस उपसंग यानी डिवीजन को हम, ये फाइलम है, डिवीजन तो हम बॉटनी में पढ़ते हैं और जूलॉजी में फाइलम शब्द का प्रयोग किया जाता है डिवीजन के स्थान पर। तो जो वर्टिब्रेटा उपसंग है इसको जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। अनैथोस्टोमाटा का मतलब होता है जबड़ों का अभाव, और नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े उपस्थित। तो जबड़े उपस्थित होते हैं उसको नेथो इस्टोमेटा कहते हैं, और जबड़े विहीन को अनैथो इस्टोमेटा कहते हैं। अनैथो इस्टोमेटा वर्ग में अनैथो इस्टोमेटा वर्ग में साइक्लोस्टोमेटा को रखा गया है। तो अनैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा ये वर्टिब्रेटा उपसंग के वर्ग है, यानी क्लास है ये। और नैथोस्टोमेटा को पंख, तो दो जोड़ी युग्मित पैर या पंख के आधार पर विभाजित किया गया है। तो जिनमें दो जोड़ी युग्मित पंख पाए जाते हैं उनको पीसीज वर्ग में रखा गया है, यानी कि मत्स्य वर्ग में रखा गया है। और जिनमें दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, चतुष्पाद पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा में रखा गया है। तो जो पंख उपस्थित होते हैं उनको तो हम पीसीज वर्ग कहते हैं, और जिनमें पैर उपस्थित होते हैं, चतुष्पाद होते हैं, उनको टेट्रापोडा कहते हैं। अब पीसीज वर्ग में दो वर्ग रखे गए हैं, कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिक्थीज।
कौंडिक थीज और ऑस्टिक थीज, और चतुष्पाद में आते हैं एम्फीवियंस, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। तो एम्फीवियंस को उभयचर कहते हैं, रेप्टिलिया को सरीसृप कहते हैं, एवीज को पक्षी कहते हैं और मेमेलियन को स्तनी पर्ग कहते हैं।